अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये 1 घंटे की पूरी क्लास आप लोगों के लिए है। मैंने पीछे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की थी जिसमें आप प्राणायाम की वीडियो मैंने पोस्ट की है, आसन की वीडियो मैंने पोस्ट की है, जिसके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि मैं पूरी 1 घंटे की क्लास ही बना देता हूँ। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो चलाइए और इस 1 घंटे की क्लास में हम आपको आसन बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे और रिलैक्सेशन भी कराएंगे, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे अपनी वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो आप सुन ही चुके हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए पूरी 1 घंटे की फुल क्लास होने वाली है, तो तैयार हो जाइए अपने मैट पर। हमारे साथ हैं महेश जी, महेश जी आपको आसन करके दिखाएंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा हर आसन के बारे में। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। महेश जी तैयार हैं, चलिए शुरू करें, आइए सेंटर में आ जाइए। तो अब मैं बताऊंगा, तो देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उछल कूद करनी पड़े या आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए जब भी आप ये योग अभ्यास कर रहे हो। तो इस तरह से सीधे बैठ जाइए जिस तरह से महेश जी बैठे हुए हैं। अब यहीं से धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाइए और राइट हैंड को ऊपर खींचिए, ये खिंचाव फील करना है इस जगह। डीप इनहेल एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा रिलीज करें और दूसरा हाथ ऊपर उठाएं कुछ समय। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, चाहे तो आंख बंद करके आप लंबी गहरी सांस लेते रहें। एक बार फिर से चेंज योर हैंड इस तरह से, फिर से चेंज इसी तरह से, चेंज एंड चेंज। अब यहीं से दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे ले जाइए धीरे से। अब यहीं से राइट हैंड को राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और जितना नीचे जा सकते हैं, फील द स्ट्रेच हियर, ये स्ट्रेच आना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, ऊपर देखना है, ऊपर देखते रहें इस तरह, हाँ, 5 साथ-साथ करिए, 4 3, इसीलिए मैं ये 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, 2 1। अब यहीं धीरे से ऊपर आइए, अब दूसरी साइड चले जाइए जितना जा सकते हैं, 7 साथ-साथ करिए, 5 4 3 2 1। इनहेल आप, एक बार फिर से दूसरी साइड जाएं, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते रहें, फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, 5 4, ये स्ट्रेच आएगा पूरा, 3 2 1। इनहेल आप, फिर से दूसरी साइड खींच के रखिए, 5 4 3 2। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, चेहरे पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, स्माइल बनी रहे, एंड 1। इनहेल अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन। अब दोनों हाथ नीचे, अब नेक से करेंगे फेस अप, इनहेल करते हुए धीरे से, एक्सहेल करते हुए डाउन। आराम से आंखें बंद करके करिए, इनहेल अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 6 7 8 9 10। नाउ सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, कीप चेंजिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, नाउ सेंटर, सर्कल क्लॉकवाइज, इनहेल फेस अप, एक्सहेल नीचे, स्लोली स्लोली, इनहेल अप, 2 अप, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10। अब इसी को दूसरी साइड करेंगे, 1 करते रहिए,
तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जॉइंट ओपनिंग कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई इंजरी ना हो, और ये जॉइंट ओपनिंग करके आप ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं अपनी पूरी बॉडी में। 6 करते रहिए, 7, 8, 9 and 10 ओके, नाउ सेंटर, साइड 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 साइड, नाउ सेंटर। अब दोनों हाथ आगे और उंगलियां चलानी हैं अपनी इस तरह से, हाँ उंगलियां चलाते रहें, बहुत बढ़िया। अब यहीं से अंगूठे अंदर करके मुट्ठियां बांध और धीरे धीरे रोटेट योर रेस्ट, 1, 2, 3। तो देखिए आपको ये पूरी क्लास करनी है, एक घंटा सुबह सुबह अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पूरी क्लास को चलाइए और लास्ट तक करिए, देखेंगे धीरे धीरे आपका पूरा शरीर फिट होने लगेगा। दूसरी साइड, 1, 2 करते रहें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब रिस्ट अप डाउन इस तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से पाम फेसिंग अप, एल्बोज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1, 2 कीप गोइंग, 3 और इनहेल एक्सहेल जितना डीप हो उतना बढ़िया, 4, 5, 6 बहुत अच्छे, 7, 8, 9 and 10 अब यहीं से रोटेट योर शोल्डर्स, इनहेल ओपन योर लंग्स, एक्सहेल, 1, 2, 3 इस तरह से, 4 करते रहें, 5 बहुत अच्छे, 6, 7, 8, 9 and 10 अब दूसरी साइड, 1 इसी तरह से इनहेल करते हो ओपन योर लंग्स, 2 एक्सहेल करते हो एल्बो मिलाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अब यहीं से दोनों हाथों को खोलिए, ओपन योर लंग्स, एक्सहेल आगे, 1, inhale, exhale, 2 धीरे धीरे, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8 Inhale, exhale, 9, inhale and exhale, 10 ओके, नाउ सेंटर, दोनों हाथ नीचे रखिए। अब यहीं से अपना लेफ्ट लेग आगे खोल लीजिए, राइट लेग अंदर ही रहेगा, अंदर की साइड पैर के अंदर नहीं, यहाँ लगाइए इस तरह, बॉडी एकदम सीधी रखिए, ठीक है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए दोनों साइड से इस तरह ये खींचिए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरह, एकदम रुकिए। ये देखिए किसी भी एज के इंसान आप हो, आप हर कोई कर सकता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसको करिए आराम आराम से। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करते हुए वेस्ट से आगे जाओ जितना आगे जा सकते हो, और यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग करते रहें, डीप ब्रीदिंग करें, हर एक्सहेल पे पेट अंदर करके थोड़ा और आगे जाएं, किस तरह से, 1 एक्सहेल करो थोड़ा और आगे, 2 वेरी गुड, 3, 4, 5 डीप ब्रीदिंग करते रहें, 6, 7, 8, 9, 10 अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे ले जाओ धीरे से, यस रिलैक्स। अब ये वाला पैर अंदर, दूसरा पैर आगे, फिर से दोनों हाथ दोनों साइड खींचते हुए ऊपर लाइए, एकदम खींचते हुए बॉडी को, सांस भर के और सांस छोड़ते हुए फिर से आगे जाइए, पेट से आगे जाना है, एंड मेक श्योर आपके दोनों कंधे इन लाइन हो। अब काफी लोगों का हाथ पैर तक नहीं जाता है, तो वो जहां तक जा रहे हैं एंकल तक जा रहे हो, एंकल पकड़ लो, 2 चलो, 3, 4 हर एक्सहेल पे पेट अंदर, सांस छोड़ के थोड़ा और आगे, 5
सिक्स सेवन एट नाइन, डीप ब्रीदिंग करिए एंड टेन। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर से चेंज योर लेग, इसी तरह से एकदम कमर गर्दन सीधी और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे एकदम। चेहरे पे एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं करने हैं, हैप्पीनेस रहेगा। एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए फाइव, और जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर आसन होल्ड करिए। मेक श्योर कि आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बीच में आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है या अनकंफर्ट हो रहा है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें कुछ समय के लिए, 2 से 3 मिनट, और फिर से क्लास शुरू करें। चंद्रभेदी कैसे, मतलब राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया राइट से छोड़ा, 4 से 5 मिनट ये करते हैं। इन्हेल अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन, फिर दूसरा पैर आके लाइए, फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। होल्ड योर टोज, पेट अंदर, सांस छोड़िए, थोड़ा और आगे जाइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे, लंबी गहरी सांस। जैसे ही एक्सहेल करते हैं तो यू फील द हैप्पीनेस इनसाइड योर बॉडी, फील दैट हैप्पीनेस एंड फील द पोस्चर, पोस्चर को फील करें। स्टे देयर स्टे देयर स्टे देयर, नाउ इनहेल अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन। अब दोनों पैर आगे स्ट्रेच करिए, आर्च बनाइए बैक में, यहीं से आर्च बना के ऊपर देखिए। जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, ओपन योर लंग्स, लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी, इस तरह से ये आर्च बन जाएगा बैक में सभी का, है ना। रुकिए थोड़ी देर, बहुत अच्छे। अब यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए पेट से आगे जाओ। एक्सहेल करते हुए पेट अंदर और आगे जाइए। होल्ड योर टोज, अब काफ़ी लोगों का हाथ टोज तक नहीं जाएगा, तो वो जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक चले जाइए, या फिर आप अपने घुटने मोड़ के अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ करके, आप यहीं पर रुकिए। जिनके हाथ आगे नहीं जा रहे तो वो क्या करो, घुटनों को इस तरह से मोड़ लो, स्पाइन स्ट्रेट, और इस तरह से पकड़ लो। जो बाहर से भी नहीं पकड़ पा रहे वो अंदर से पकड़ लो इस तरह। चलिए सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर से दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए, वंस अगेन सेम, ओपन योर लंग्स, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर से नीचे जाइए, रुकिए थोड़ी देर, फाइव, रुके शाबाश, फोर थ्री टू वन, इनहेल अप। अब दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए बैक में, या फिर आप अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है तो घुटने मोड़ के हिप्स को भी ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से। फाइव फोर थ्री टू एंड वन, हिप्स डाउन, दोनों पैर सीधे। अब यहीं से अपना राइट फुट लेफ्ट नी के बाहर रखो मोड़ के इस तरह, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग, अपना राइट फुट को उठा के लेफ्ट नी के बाहर रखा है। अब अपना जो राइट नी है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ लो इस तरह से। एक से मैं वेरिएशन बताऊंगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ। राइट हैंड पीछे, इसको अंदर खींचते रहो पेट के अंदर अपने राइट लेग को, और ट्विस्ट करो पीछे की साइड, यहाँ से कंधे से ट्विस्ट करिए। फाइव, डीप ब्रीदिंग, हर एक्सहेल पे पेट अंदर करें, पैर को और खींचें, थोड़ा और ट्विस्ट करें। फोर थ्री टू वन, रिलैक्स, कम बैक, ये पैर सीधा। अब इस बार लेफ्ट लेग को बाहर लाइए, लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़िए, पेट के अंदर खींचिए और कंधे से ट्विस्ट इस तरह। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास, हर एक्सहेल पे पेट अंदर, थोड़ा और ट्विस्ट। फाइव, बहुत बढ़िया, फोर थ्री टू वन, कम बैक। एक बार हम ये साइड से दिखा देते हैं कैसे करते हैं, पैर इस साइड कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए कमर गर्दन सीधी है, अपना राइट फुट लेफ्ट नी के बाहर रखा, ये इस हाथ से पकड़ा, ट्विस्ट, पीछे देखिए और साथ साथ करिए। फाइव, ये इसीलिए एक घंटे की वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई नहीं देता आपको इस तरह से पूरी वीडियो, ठीक है। जैसा मैं अपनी ऑनलाइन जूम क्लासेस पे लेता हूँ उसी तरह से पूरी। और मोटो इज टू हेल्प द कम्युनिटी, हेल्प द सोसाइटी, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। पता नहीं आप किसकी मदद कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। नाउ कम बैक,
चेंज, दूसरा पैर लेफ्ट लेग देखिए इस तरह से रखा, राइट हैंड से पकड़ा, ये हाथ पीछे रखते हैं और ट्विस्ट करते हैं इस तरह, 5, 4, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं आपको पता नहीं है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो जस्ट वन शेयर एंड यू कैन हेल्प मैनी पीपल, 3, 2 and 1, रिलीज, दोनों पैर सीधे। अब यहीं से आपको अपने पेट के बल लेट जाना है, पेट पे लेट जाइए, इस तरह से आ जाइए, ठीक है, दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड रखिएगा, थोड़ा सा आगे रखिए हाथ, एल्बो अंदर, और धीरे धीरे अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाइए जहाँ तक आप आ सकते हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है बॉडी पे, कंधे एकदम नीचे रहेंगे, लंबी और गहरी श्वास, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए, दोनों हाथ चिन के नीचे लगा लो, एक के ऊपर एक हाथ, और रिलैक्स, थोड़ा पैर ऊपर नीचे चलाइए इस तरह। तो देखिए जब भी हम हाई ब्लड प्रेशर में कोई भी योग अभ्यास करें तो हमारा, मैंने जैसा बताया, आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, हार्ट बीट तेज नहीं होनी चाहिए, जब भी आपको लगता है कि आपका सांस फूल रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो आप रुक के किसी भी रिलैक्सिंग पोज में रिलैक्स करें या चंद्रभेदी प्राणायाम करें, जो ये रिलैक्सिंग पोज है ये भी आप कर सकते हो, कोबरा पोज के बाद तो हमेशा इसको करें अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। धीरे धीरे मैं और वीडियो भी लेके आऊँगा हाई ब्लड प्रेशर के लिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाली, बट ये बिगनिंग के लिए, आप किसी भी एज में हैं, आप 20 हैं, आप 60 हैं, आप 70 हैं, हर कोई इस वीडियो को फॉलो कर सकता है, ठीक है। एक बार फिर से दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, इनहेल कम अप टू कोबरा पोज, और ये स्टेप बाय स्टेप है, पूरी क्लास है, 5, 4 डीप ब्रीदिंग, 3, 2, 1, धीरे से नीचे जाइए, फिर से दोनों हाथ चिन के नीचे लगाएं, पैरों को ऊपर नीचे चलाइए, रिलैक्स करें, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ना केवल आपका बीपी कंट्रोल होने वाला है, बल्कि आपको जो और बहुत सारी बीमारियां हैं, देखिए आप अगर एलोपैथी की दवाई लेते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आप योग करते हैं इसके साइड बेनिफिट होते हैं, यही एक योग पोज बहुत सारे बेनिफिट देता है, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर में किए जाने वाले योगासन, तो इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके इतने फायदे होंगे आपको, अगर मैं गिनाना शुरू करूं आप पूरा पेपर भर सकते हैं। एक बार और चलिए, धीरे से इनहेल आप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, और आप सभी लोगों को योग तो करना ही करना है, और प्रेरित करें अपने बच्चों को, जरूर प्रेरित करें, फैमिली को प्रेरित करें, 4 डीप ब्रीदिंग करते रहिए, 3, 2, 1, अब यहीं से हमें जाना है नीचे जाइए और फिर जाएंगे रैबिट पोज में, ठीक है, ये गए, अब यहीं से ऊपर आए और रैबिट, रैबिट में कैसे करें देखो, ये घुटने पंजों को मिला के रखें, घुटनों को खोल लें और ये स्पाइन स्ट्रेट और जितना आगे जा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, यहाँ पे रुकिए 10 काउंटर, बहुत रिलैक्सिंग पोज है, रुकना है, होल्ड फॉर 10, डीप ब्रीदिंग करते रहें, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से ऊपर आइए, लंबी और गहरी श्वास लीजिए, ऊपर बैठ कर डीप इनहेल एंड एक्सहेल फॉर सम टाइम, रुके रहिए यहीं पे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो ये वज्रासन ना करें बस, ठीक है, बाकी हर कोई कर सकता है। अब यहीं से दोनों पैरों को आगे स्ट्रेच कर लीजिए और पीछे लेट जाइए, दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाइए और धीरे धीरे थोड़ा नीचे हो जाइए मैट पे, हाँ, अब यहीं से दोनों पैरों को धीरे से ऊपर ले आइए, अब जो लोग देखिए एकदम सीधा नहीं ला सकते ये ऊपर, वो क्या करें, घुटना मोड़ के ला सकते हैं, यहीं पे रुकिए, होल्ड फॉर 5, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे ले जाओ आराम से, जो लोग आराम से, जिनको बैक पेन रहता है वो बीच में घुटने मोड़ सकते हैं इस तरह, और पैर ऐसे नीचे लगा सकते हैं, या पेट पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा हो,
और जिनको बैक पेन नहीं रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा, एकदम सीधे लेके जाएंगे पैर, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर लाइए, स्टे हियर फॉर सम टाइम, ऊपर लाके होल्ड देयर फॉर 5, बहुत बढ़िया। डीप ब्रीदिंग, चेहरे पे मुस्कुराहट करके रखिए, 4, 3, 2, 1, स्लोली डाउन, जाइए नीचे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रोजाना सुबह सुबह 1 घंटे इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो हेल्थ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दोनों पैर ऊपर एक बार फिर से, और ये पूरी स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो हम लाए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कौन आपको ऐसी इस तरह से वीडियो देता है, आपको आसन भी करा दे, प्राणायाम भी करा दे, और रिलैक्सेशन भी इसी वीडियो में हम कराएंगे। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे नीचे, ठीक है ना। तो आपको हम रिलैक्सेशन भी करा रहे हैं, और खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के पोस्ट कर चुका हूं, तो उनको भी देख सकते हैं। अब यहीं से दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, राइट लेग ऊपर उठाइए, घुटने से मोड़िए और कस के हग योर नीज, हाँ, पेट के अंदर धीरे से खींचिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लेते रहिएगा। हर एक्सहेल पे थोड़ा और अंदर लाइए पेट के अंदर पैर को, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, नाउ रिलीज, इस पैर को आगे छोड़ दीजिए, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल डीप फॉर सम टाइम, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाइए और कस के पकड़ लीजिए इस तरह, ठीक है, पेट के अंदर खींच के रखिए, 5, लंबी और गहरी सांस लेते रहें, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार फिर से राइट लेग अप, बेंड योर नी, कस के पकड़ लीजिए, 5, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, 4, और खींचिए थोड़ी देर, 3, 2, 1, रिलैक्स, रिलीज, एक बार फिर से दूसरा पैर आप बेंड योर नी, कस के पकड़ लीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, दोनों हाथ दोनों साइड, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, थोड़ी देर रिलैक्स करें, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास, जब भी लगता है तो आप थोड़ी देर रिलैक्स करें, मतलब योग में आपको ऐसे पता नहीं लगना चाहिए, आप एक आसन कर रहे हो जिससे थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेच आ रहा है, एक आसन कर रहे हो जिससे बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो उससे आप कर रहे हैं अपने हार्ट की मदद, और जो ब्लड प्रेशर जो कई बार क्या होता है ब्लॉकेज भी होती है वो भी खुल जाती है इससे, और खाने पीने का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। एक बार फिर से राइट लेग आप बेंड करिए और कस के पकड़ लीजिए, खींचिए पेट के अंदर, 5, डीप ब्रीदिंग, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, दूसरा पैर इस तरह से पकड़ना है, पेट के अंदर खींचना है, 5, 4, 3, 2, and 1, रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए इस तरह, ठीक, हाथ खुले रहेंगे, राइट एंकल को, ये राइट एंकल है, लेफ्ट थाई पे रख लो इस तरह। अब अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट साइड नीचे गिराना है बॉडी को, मेक श्योर ये कंधा आपका नीचे ही लगा रहे, ये स्पाइन पे पूरा ट्विस्ट आएगा, पेट थोड़ा सा दब रहा है, डीप ब्रीदिंग। तो देखिए ये हम कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन इसी आसन के आप अगर फायदे सुने मैं एक दो बता देता हूँ, तो ये डायबिटीज वालों के लिए रामबाण होता है, किसी को
डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या, उसके लिए बहुत बढ़िया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित पीसीओडी, पीसीओएस, या मेल में हॉर्मोन्स की दिक्कत, फीमेल में हॉर्मोन्स की दिक्कत, ये सब के लिए काम करता है ये आसन। और मैजिकल तरीके से काम करता है, आप करके देखिए। धीरे से ऊपर आइए, नियमित रूप से आप 1 से 2 महीने इस आसन का अभ्यास करिए, तो आप देखेंगे, चेंज फील करेंगे अपनी बॉडी में। अब दूसरे पैर को लाएंगे, इस बार लेफ्ट लेग ऊपर लाए, राइट हैंड से पकड़ा और नीचे गिरा दिया, इस तरह, ये इस तरह गिराते हैं। डीप ब्रीदिंग, 5, 4, 3, 2, 1, come up, release, दूसरा पैर एक बार फिर, चलो डाउन, 5, 4, 3, 2, 1, come back, एक बार फिर से लेफ्ट लेग। चलो, हर आसन को कम से कम 3 बार आप करिए, अगर इससे अच्छा बेनिफिट आप चाहते हैं तो, है ना। 5, deep inhale and exhale, 4, 3, 2, 1, come back, थोड़ी देर रिलैक्स करें, पैर यहीं मोड़ के रखें, deep inhale and exhale, लंबी और गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल जितना लंबा हो उतना लंबा एक्सेल करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप करते करते ही आपका, आप देखिएगा क्लास के बाद ही, आप बीपी मशीन में चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद ही आपका कितना रिजल्ट अच्छा आता है, क्लास से पहले क्या बीपी था और क्लास के बाद में कितना बीपी, आप करके देखिएगा। और जो फील गुड आता है अंदर से, उसका तो कहना ही क्या है, है ना। एक बार फिर से राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखिए, राइट नी को लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट, नीचे गिराइए, 5, 4, 3, 2, and 1, come on, फिर से एक बार, दूसरा पैर लेफ्ट लेग, और नीचे जाइए, जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, 5, रुकिए यहीं पे थोड़ी देर, 4, 3, 2, and 1, धीरे से ऊपर आइए। अब अपने दोनों पैरों को कस के पकड़ लीजिए, इस तरह पेट के अंदर खींच के रखें, रुकिए थोड़ी देर, 5, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, 4, 3, 2, 1, दोनों पैर नीचे आराम से, अब दोनों हाथ नीचे रखिए, इस तरह, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, धीरे से, होल्ड हियर फॉर सम टाइम, 5, डीप ब्रीदिंग करते रहें, 4, 3, 2, 1, स्लोली डाउन, लंबी और गहरी सांस लीजिए, एक बार फिर से आप, फाइव, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे जाइए, कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लीजिए, लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, फोकस करें, फोकस ऑन योर ब्रेथ, श्वासों पर पूरा ध्यान लगाइए, आंखें बंद, जब भी रिलैक्स करें आंखें बंद करके इनहेल करें और लंबा एक्सहेल करें जितना लंबा एक्सहेल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इस तरह खींच के रखिए,
फाइव फोर थ्री टू वन, स्लोली डाउन, दोनों पैर सीधे स्ट्रेट, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए फिर से। अब इस बार अपना लेफ्ट एंकल उठा के लेफ्ट पैर को राइट नी के बाहर रखिए, इस बार पैर मोड़ नहीं रहे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपना लेफ्ट फुट को आपने रख दिया राइट नी के बाहर, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़िए इस तरह, और धीरे से ये खिंचाव लाइए। तो ये अलग, ये थोड़ा नीचे तक खिंचाव ज़्यादा लाता है, पैर मोड़ के जब करते हैं वो थोड़ा ऊपर खिंचाव ज़्यादा लाता है, ठीक है। फाइव, रुकिए थोड़ी देर यहीं पर। फोर थ्री टू वन, कम बैक, रिलीज, दूसरा पैर ऑपोजिट हैंड से पकड़िए। तो ये देखिए पूरी क्लास हो रही है आपकी, शुरू से लेके आखिर तक आपको किस तरह से आसन करने हैं, कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वीडियो चलानी है और इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, वीडियो को देखना है और पूरी एक घंटे की क्लास करनी है। जो डाउट रहता है ना आपके मन में कि मैं कौन से आसन करूं, कौन से प्राणायाम करूं, सब कुछ मिल जाएगा इसमें और आप इस समस्या से छुटकारा भी पा लेंगे, ठीक है। एक बार धीरे से आप रिलीज, फिर से दूसरा पैर, रुकिए थोड़ी देर, एंड ट्विस्ट, फाइव फोर थ्री, करते रहें, टू वन, स्लोली अप, चेंज डाउन, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, रिलैक्स। एक बार फिर से पवन मुक्तासन करिए, घुटनों को मोड़िए, कस के पकड़ के रुक जाइए। फाइव फोर थ्री टू वन, रिलीज, दोनों पैर सीधे। एक बार फिर से पेट के बल लेट जाओ यहीं से, धीरे से लेटिए। अब दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, वंस अगेन, ठीक है जी। अब यहीं से धीरे से ऊपर आओ, फिर से आप लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसमें स्क्वीज योर हिप्स, टोस पॉइंटेड आउट, फेस ऊपर उठाइए, लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल, रैबिट पोज, रैबिट पोज में जाइए, ठीक है। इस तरह घुटने खोलें, पंजे मिलाएं और हाथ जितना आगे ले जा सकते हैं, रुकें थोड़ी देर यहीं पे, ये स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, 10, 9, 8, बहुत अच्छा, 7, 6, 5, 4, 3, लंबी गहरी श्वास के साथ, फील द पोस्चर, एक्सहेल डीप, 2 एंड 1, धीरे धीरे ऊपर आइए, सामने देखते हुए जाइए, धीरे धीरे पीछे जाइए इस तरह।
अब यहीं से बटरफ्लाई में आइए, पहले थोड़ी देर बटरफ्लाई करिए, फेस दैट साइड, हाँ एक सेंटर में बैठिए, है ना, बटरफ्लाई, कीप योर नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट और बटरफ्लाई करते रहें, लंबी और गहरी सांस, ओपन योर लंग्स। चाहे तो जब आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो चाहे तो उस समय आँख बंद करके डीप इनहेल एक्सहेल भी करते रहें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। तो दिस इज हाई ब्लड प्रेशर के लिए पूरी एक थेरेपी क्लास है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ये जो हमने पूरी वीडियो बनाई है, जो मेहनत किया है, वो मेहनत सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अभी हमने पीछे वेट लॉस सीरीज पोस्ट की थी एक 30 दिन की, उससे बहुत लोगों का वज़न कम हुआ है। अभी हम बहुत जल्दी बिगनर्स के लिए एक 30 दिन की सीरीज लेके आने वाले हैं, 30 वीडियो डालेंगे हम, योगा भी आपको यूट्यूब पे सिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, दिस इज ऑल वी वॉन्ट, ठीक है। अब यहीं से आपका राइट लेग यहीं रहेगा, लेफ्ट लेग को आप लेफ्ट साइड खोल दीजिए, इस तरह जितना खोल सकते हैं, इस तरह पंजा अपनी साइड खींच के रखिए, बॉडी एकदम सीधी। अब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए इस तरह, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का हाथ लेफ्ट टो तक नहीं जाएगा, तो वो कैसे पकड़ सकते हैं इसको, थोड़ा सा घुटना मोड़ सकते हैं इस तरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर घुटना मोड़ के इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, धीरे से, सामने नहीं साइड में, हाँ इधर ऐसे, ये इस तरह सामने देखिए। अब दूसरा हाथ एकदम खींचते हुए ऊपर लाना है, कान के पीछे रहे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये खिंचाव आ रहा है ना, ऊपर देखिए, यस, जितना नीचे जा सकते हो। अब क्या होता है, काफ़ी लोग ना जब नीचे जाते हैं तो एक कंधे को ऐसे ले आते हैं, आगे की साइड ले आते हैं, ऐसे ऐसे, ये नहीं करना, हमें ये कंधा ऊपर वाला पीछे ही रखना है, हाथ खींच के, पैर तक हाथ जाए या ना जाए कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो स्ट्रेच आ रहा है इसको हमें फील करना है। आ रहा है ना महेश जी, बहुत बढ़िया, 5 4 डीप इनहेल एंड एक्सहेल 3। और जब भी आपको लगे मेरी सांस चढ़ रही है तो रुक के क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, या रिलैक्सिंग पोज, रैबिट पोज कर लीजिए, मकर आसन कर लीजिए, जो मैंने अभी करवाया है, 2 and 1, धीरे से ऊपर आइए, रिलैक्स। अब यहाँ से इस पैर को मोड़ के अंदर ले आओ और दूसरा पैर बाहर खोल लीजिए, धीरे इस तरह, ठीक है, ये खोला। अब यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, कंधा पीछे, लुका, 5, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, ये स्ट्रेच आएगा पूरा, 4 3 2 1, रिलीज, कम बैक, वो पैर वहीं रहेगा, इस पैर को भी खोल लीजिए, हाँ आराम से खोल लीजिए, जितना खोल सकते हो आराम से, दोनों हाथों से चाहो तो दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, या दोनों हाथ आगे रख लो इस तरह, जितना आगे जा सकते हो, 1 2 3, बहुत बढ़िया, 4 5 6 7, सामने देखते रहें, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, 8 9, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दर्द आ रहा है ना, ये यहाँ पे, 10, सामने देखिए और आगे जाओ थोड़ा सा, 1, जितना जा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, तो स्ट्रेचिंग भी हो रही है, 8 9 and 10, धीरे धीरे पीछे, दोनों हाथ पीछे रखो, अभी आर्च बनाइए बैक में, लुक अप, ओपन योर लंग्स, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, लुक अप, 5 4 3 2 1, कम बैक, आगे जाइए फिर से जितना जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7,
एट नाइन एंड टेन, धीरे धीरे पीछे आइए, अब पैरों के अंदर से पकड़ो, ऊपर उठाओ पैरों को और कस के हग योर नीज, नीज को अपना कस के इस तरह पकड़ के कुछ सेकंड के लिए इस तरह नीज को पकड़ के आप बैठ जाएंगे। बैठे रहिए थोड़ी देर, कमर गर्दन सीधी। अब यहीं से दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए बैक में और बटरफ्लाई करना है इस तरह से। ये देखो ये बटरफ्लाई, दोनों हाथ पीछे रखे हैं, शोल्डर ब्लेड को मिलाया है, ऊपर देखा और बटरफ्लाई करते रहें इस तरह, ठीक है। तो ये तो हमने अभी लगभग 40 मिनट के आसपास तक हमने आसन कर लिए हैं। अब मैं आपको 15 मिनट कराऊंगा प्राणायाम और उसके बाद 5 मिनट कराऊंगा रिलैक्सेशन, ठीक है। ये पूरी क्लास है, जैसी हम जूम पे क्लासेस लेते हैं, जैसी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, ये पूरी क्लास मैं आप लोगों को के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको फॉलो करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, सीधे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, ट्विस्ट कर लो एक बार, राइट हैंड से लेफ्ट नहीं पकड़ें, ये लास्ट में ट्विस्ट करके रुकिए। 4 3 2 1 कम बैक, दूसरी साइड, 5 4 3 2 1 सेंटर, सीधे बैठ जाइए, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करिए फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो देखिए ये पूरी आसन तो हो गए यहाँ तक, अब प्राणायाम तो ज़रूर 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 करने हैं आप लोगों को। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ आसन करके क्लास छोड़ते हैं, नहीं, ये पूरी क्लास है तो पूरी क्लास करिए। एक घंटा अपने लिए निकालिए, एक घंटा नहीं निकाल सकते तो क्या ही करोगे रे, हाँ अपने लिए। तो सीधे बैठे रहिए, कमर गर्दन सीधी। अब जब हमने, क्योंकि अभी आसन किए हैं, तो अब हम शुरुआत करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम से, ठीक है। कुछ समय के लिए हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चलिए चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लिया। विष्णु मुद्रा भी लगा सकते हो आप इस तरह से, मैं कैमरे के सामने आके दिखा देता हूँ। देखो विष्णु मुद्रा अगर चाहो तो ये अंगूठा, ये दो उंगलियां इस तरह से लगा सकते हैं, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद कर सकते हैं। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से बाहर निकालना है, 5 काउंट तक। मैं काउंट करूंगा 5, तो सांस लेना है और मेरे 5 काउंट तक ही आपको सांस निकालना है, बाहर छोड़ना है। और मेक श्योर कि आप लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट से बाहर निकाल रहे हैं, लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा करना है। एक बार फिर से सुनिए, लेफ्ट से सांस ले रहे हो, राइट से बाहर निकाल रहे हो। चलिए शुरू करें, लेफ्ट से सांस लेना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से बाहर निकालना है चंद्रभेदी प्राणायाम में, 2 3 4 5 राइट से बाहर, 1 2 3 4 5 फिर से लेफ्ट से सांस लें, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 धीरे धीरे, 2 3 4 5 अब सांस रोकिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 लेफ्ट से सांस लो, 1 2 3 4 5 सांस रोकिए, 1 2 3 4 5 राइट से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 देखिए सांस रोकना उतनी देर तक जितना आप कंफर्टेबली रोक सकें। अगर आपका मन रोकने का नहीं है तो ना रोकिए, ठीक है। चलिए फिर लेफ्ट से इनहेल,
वन, कम से कम 3 से 5 मिनट तो करें प्राणायाम, एक 2 3 4 5, राइट से बाहर 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट से श्वास लें 1 2 3 4 5, राइट से बाहर निकालिए 1 2 3 4 5, लेफ्ट से श्वास लें 1 2 3 4 5, राइट से बाहर 1 2 3 4 5, लेफ्ट से श्वास लिया 1 2 3 4 5, राइट से बाहर निकाल दिया 1 2 3 4 5, लेफ्ट से श्वास लिया 1 2 3 4 5, राइट से बाहर निकाल दिया 2 3 4 5, राइट से बाहर निकाल दें 1 2 3 4 5, फिर से लेफ्ट से श्वास लीजिए 1 2 3 4 5, राइट से बाहर निकालिए 1 2 3 4 5, अब दोनों हाथ नीचे, ठीक है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम था जिसमें हम लेफ्ट से सांस ले रहे थे, राइट से बाहर निकाल रहे थे। तो ये हमारा, हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं जिससे हमारे जो शरीर में गर्मी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसको शांत करके हम बीपी को नॉर्मल करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो ये आप जितनी देर हमारे साथ क्या इतनी देर कर लीजिए। इसके बाद कुछ समय आप करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग कैसे, मेरे 5 काउंट तक सांस लेंगे और मेरे 5 काउंट तक इस सांस को बाहर निकालेंगे, मेरे 5 काउंट तक सांस अंदर लेंगे और मेरे 5 काउंट तक सांस बाहर निकालेंगे दोनों नोस्ट्रिल से। शुरू करें, चलिए स्टार्ट। 1 इनहेल करें 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और अपनी श्वासों को अपने स्पाइन पे फील करते रहें। जैसे ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन में पहले पारा होता था ना, सांस ले रहे हैं तो वो सांसें नोस्ट्रिल से होकर अपर स्पाइन से लोअर स्पाइन तक जा रही है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वही सांसें आपके लोअर स्पाइन से अपर स्पाइन की ओर आती हुई नोस्ट्रिल से बाहर जा रही है। इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5। अब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, 3 से 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो देखिए चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम में बहुत कंफ्यूजन था लोगों का कि क्या चंद्रभेदी कर रहते हैं तो क्या अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। देखिए चंद्रभेदी जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है बहुत तो दवाई की तरह से काम करेगा। 10 से 15 मिनट करिए चंद्रभेदी, लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल, आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और ये अनुलोम विलोम बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। तो चंद्रभेदी भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, कमर गर्दन सीधी, अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया
लेफ्ट से पांच काउंट तक इनहेल, 1 2 3 4 5, राइट से पांच काउंट तक एक्सहेल, 1 2 3 4 5। अब जिससे एक्सहेल किया इसमें, राइट से इनहेल, एक्सहेल राइट से किया ना, उसी से इनहेल, 1 2 3 4 5। दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5। जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल करिए, 1 2 3 4 5। दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5। जिससे एक्सहेल कर रहे हैं उसी से इनहेल, 1 2 3 4 5। दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5। जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, 1 2 3 4 5। दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5। जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, 1 2 3 4 5। दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5। जिससे बाहर निकालते हैं उसी से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5। दूसरे से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5। जिससे सांस बाहर निकाला उसी से सांस लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5। दूसरे से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5। जिससे बाहर निकाला है उसी से सांस लें, 1 2। मेरे काउंटिंग पे करते रहिए, 3 4 5। दूसरे से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5। जिससे बाहर निकाला है उसी से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5। दूसरे से बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ नीचे। तो जब भी कोई प्राणायाम करते हैं आप ध्यान रखिए, तो अब पहले हमने चंद्रभेदी प्राणायाम किया था दोस्तों, चंद्रभेदी प्राणायाम के बाद हमने दोनों नोस्टल से कुछ समय डीप ब्रीदिंग किया था, अब हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भी कुछ समय डीप ब्रीदिंग करेंगे, मनी मन काउंट करते रहें, इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें, इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें, इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल, और चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई, एक्सहेल। अब हमें 11 टाइम्स ओम चैंटिंग करना है, ठीक है, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगा के सभी लोग ओम चैंटिंग 11 बार।
कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए और ओम की ध्वनि से जो वाइब्रेशन हुई है, कंपन हुआ है, उस पर पूरा ध्यान लगाइए। लंबी और गहरी श्वास लीजिए। पूरे शरीर को फील करें और अब यहीं से मैट पे लेट जाइए। अब मैं रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए करा देता हूँ, ये भी करना है सभी को। सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का फासला बनाइए, दोनों हाथ शरीर के दोनों तरफ और हथेलियाँ ऊपर की ओर। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने पैरों के पंजों से लेकर सिर तक शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने पैरों के पंजों को हिलाकर थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों से धीरे धीरे एंकल और शिन बोन से होते हुए अपने घुटनों तक अपने ध्यान को लाएं और अपने घुटनों को ढीला छोड़ दें। घुटनों से धीरे धीरे थाइस, पेल्विक और हिप्स, इन सभी को एक एक करके ढीला छोड़ देंगे। अनुभव करें कि आपका पेट से नीचे का पूरा हिस्सा, पेट से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है। पेट से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह से शांत और शिथिल हो चुका है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पेट पर लाइए। पेट के दोनों साइड से होकर लोअर बैक और लोअर बैक से धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अपर बैक तक ले जाएं। अपर बैक से चेस्ट और अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधों से दोनों हाथ, हाथों की हथेलियां और दोनों हाथों की उंगलियां, इन सभी को एक एक करके ढीला छोड़ देंगे। अनुभव करें कि आपका गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह से शांत और शिथिल हो चुका है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नेक से होते हुए चिन, लिप्स, टीथ, टंग, नोज, दोनों गाल, दोनों कान, आंखें, माथा, सर, सर का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, दायां हिस्सा और बाएं हिस्से पर ले जाइए। रवाप अनुभव करेंगे कि आपका पूरा शरीर
पूरी तरह से हल्का हो चुका है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों को देखने में लगाइए। आती और जाती हुई श्वासों को देखिए। अनुभव करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां ऊपर की ओर फूल रही हैं। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर सिकुड़ रही हैं। कुछ समय अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करते रहें। और लंबी लंबी श्वास लेते रहें। प्रत्येक आने वाली श्वास के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करें। और अपनी श्वासों के द्वारा अपने शरीर का सारा तनाव, सारा खिंचाव अपने शरीर के बाहर फेंक दीजिए। और कुछ समय सिर्फ अपनी श्वासों में बने रहें। रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। चलें अब लंबी गहरी श्वासों के साथ अपने ध्यान को अपने सर से पैरों तक लाइए, पैरों से सिर तक, सिर से पैरों तक। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सर के पीछे स्ट्रेच करें और पैरों को नीचे खींचिए। नाउ रिलीज। अब लेफ्ट साइड आराम से करवट लीजिए और ऊपर बैठ जाइए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाकर अब हम तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को आपस में तेजी से रगड़िए, गरम करें हथेलियों को, गरम हथेलियों से चेहरे पर मसाज करें, चेहरा, गर्दन, कंधे, लोअर बैक, थाइस, घुटने, एंकल। एक बार फिर से हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। गरम हथेलियाँ आँखों पर रखिए, धीरे धीरे हथेलियाँ नीचे, उंगलियों के बीच से आँखें खोल के दोनों हाथ नीचे लाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, दोनों हाथ घुमाएंगे टू योर हार्ट सेंटर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी एक घंटे की योग क्लास। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक करेगा। कैसा लगा हमारे साथ अभ्यास करके आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, दैट गिव्स अस मोटिवेशन, और हम और इसी तरह की वीडियो बना के ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।